हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मसला अब और तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कमेटी में पिछले कुछ दिनों से चल रही उठापटक अब खुलकर सामने आ रही है। प्रधान व कार्यकारिणी सदस्यों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है और अब कमेटी दो घड़ों में बट गई है। दरअसल कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादवाल को प्रधानगी से बर्खास्त करने की बात कहते हुए गोहला चीका में बीते दिन कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान दीदार सिंह नलवी ने कहा कि जनरल हाउस की कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से बहुमत के साथ दादवाल को प्रधानगी से इनकार कर दिया गया है और उसका प्रस्ताव डाल दिया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान दादवाल पर अन्य कई गंभीर आरोप भी जड़ दिए। आज की एक्ट के मुताबिक हर साल में एक दफा जनरल बॉडी की मीटिंग होनी चाहिए, इसलिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान आज हमने जनरल बॉडी की मीटिंग की है। उस मीटिंग में हमने बहुमत से सर्वसम्मति से पास किया है कि पिछले 13 अगस्त से लेकर आज तक जो बलजीत सिंह जी दादूवाल अपने आप को प्रधान कहलवा रहे हैं, वो एक्ट के मुताबिक कानून के मुताबिक वो लीगल प्रधान नहीं हैं। यार एक मिनट प्लीज़, प्रधान नहीं है। मैं उस एक्ट की आपको धाराएं पढ़ कर सुनाता हूं और उनको आप ही वाच कर लेना, और मेरी तरफ से दादूवाल जी को भी चैलेंज है कि वो इनको पढ़कर समझकर वो कानूनी तौर पे सिद्ध करें कि क्या उन्होंने ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की है। वो जो है एक्ट के मुताबिक एक्ट के सेक्शन 14(1), 15(2), 15(3), 15(4), 16(1) से 16(4) तक इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल बॉडी के सामने सारे मेंबर्स को इकट्ठा करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 आदमी वहां पर इकट्ठे किए, कुछ आदमी इकट्ठे किए। वहीं जत्थेदार बलजीत सिंह दादवाल ने भी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो ये कमेटी की बैठक हुई है इसमें वही 15 मेंबर्स पाए हैं, जबकि दो अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए हैं। ये लोग पहले भी उनके विरोध में रहे हैं और अब भी उनके विरोध में चल रहे हैं। पहले तो मैं हरियाणा दी संगतां नूं फतेह कहांगा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कि हरियाणा दी संगतां सानूं गुनाही भी गिणगियां, मैं पहलों ही दसना चाहना भी साढ़े तो बड़ा वड्डा गुनाह होया है जिहड़ा असीं दादूवाल दे नाल लग के उन्हों प्रधान बनाया। पर उस तो बाद दादूवाल ने अज तिकर एक भी चंगा काम नहीं किया जिस दिन का बनया, केवल तो केवल अपनियां फोटोआं वट्सअपां ते फेसबुकां ते, होर ना इन्हें अज तिकर धर्म प्रचार ना कोई अमृतपान करवाया। झूठे बयानबाजी करता कि मैं अमृतपान कराया, मैं धर्म प्रचार करा दिया, कोई झूठे दिलासे देंदा। पर हरियाणे की संगत जिहड़ी है वह सुलझी सलझी है, वह दादूवाल दे झूठे विश्वासां दे उत्ते नहीं रह गई। असीं हुण संगत नूं भी आने भी साढ़े नाल मिलजुल के साथ दिओ, इहनू दादूवाल नूं इत्थों कढ़ियो, कढ़िए वेखो। 1925 दे विच असां गुरद्वारे मंतां तों याद कराए सन, अज इह मंत बण के 6वीं ते 9वीं पातशाही दे गुरद्वारे दे विच बह गया। इहने अज गुरद्वारिआं नूं वेखो, मैं दसना चाहना, हथ ला के आ वेखो, हरियाणा दीआं संगतां नूं दसना चाहना, इहने 1925 वाला काम बना दिता है, गुरद्वारिआं नूं इहने जिंदरे मार दित्ते ने। इह इत्थे कब्जा करना चाहुंदा पर हरियाणा दी संगत जिहड़ी है सूझवान है, उह इहनूं इत्थे दादूवाल नूं वड़न नहीं देगी। साथ ही दादवाल का कहना था कि उनका काम गुरु घरों की सेवा करना है और धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन ये सब जो हो रहा है उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। गोहला चीका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।